हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसएससी पेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो पार्ट वन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड थे, और ये पार्ट टू है। आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट वन। उसके बाद पार्ट टू आज का वीडियो है, और नेक्स्ट टाइम हम पार्ट थ्री भी लेके आएंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो यूपी पेट का एग्जाम आने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, तो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। आपके एवरीडे टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पार्ट टू है, पार्ट वन आपने देख लिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राम कामेश्वरी की रचना किसने किया है। राम कामेश्वरी की जो रचना की गई है उसे किया है पंडित रविशंकर ने। देखिए, बुक्स एंड राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ऐसा कोई डेडिकेटली नहीं है कि यूपी पेट के एग्जाम में ही आएगा, अदर एग्जाम्स में भी बुक्स एंड राइटर्स, इंपॉर्टेंट डेज और इन्वेंशन और डिस्कवरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आना ही आना होता है क्वेश्चन, चाहे एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन या थ्री क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है। सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि कौन सा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, वो है मृत सागर। मृत सागर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस देश को एफटेट ने ग्रे सूची में बरकरार रखा है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हमने बताया था ना आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको जो शामिल किया है, जो बरकरार उनकी जो अभी पोजीशनिंग है वहाँ पे मेंटेन है एफटेट में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश अभी भी एफटेट के ग्रे सूची में बरकरार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है, ग्रेट साल्ट कहाँ पर है। ग्रेट साल्ट झील लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है ये कहाँ पर है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री को शिवाजी की मंत्र परिषद में क्या कहते थे। ये क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री का, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा आपका, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो नेशनल मूवमेंट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये उसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री को शिवाजी की जो मंत्र परिषद में कहते थे उसे कहा जाता था पेशवा। तो ये क्वेश्चन और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। पेशवा कहते थे किसी भी प्रधानमंत्री के पोस्ट को किस समय, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मेन रीजन था वो क्या था, वो रीजन था धर्म में हस्तक्षेप। आप सब जानते हैं जिसमें कारतूस को लेकर के बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वही एक क्रेज बन गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में एक बहुत मेजर रोल वो अदा किया था, वो तो वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेट करता था, इसलिए धर्म में हस्तक्षेप के कारण ही एक मेजर पॉइंट बना और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, तो उसी से शुरुआत हुई थी नेशनल मूवमेंट की, यानी स्वतंत्रता संग्राम की। तो ये मेन रीजन जो कहते हैं वो यही मेन रीजन था, इसी से उसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है या किसको अपना त्यागपत्र देता है, वो देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना क्या करता है, त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो जानते थे उसको दिनार को जानते थे, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या है कि बुक्सा बांध अभयारण्य कहाँ पर है। तो जो बुक्सा बांध है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बांध। क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या है, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है। ऑक्टोपस आप जानते हैं ये जल में रहने वाला है और इसको इस तरह से वर्क करता है जैसे किसी आप प्लेस पे रख देते हैं या कोई सरफेस एरिया है तो वहाँ पे चिपकते हुए चला जाता है, तो इसे कहते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पानी में रहता है, तो ये किस तरह का जीव है, मृदु कवची जंतु है, यानी कि इसका जो स्किन होती है बाहर से वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका नाम मृदु कवची रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है कि किसके पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति होती है, वो होता है प्रेसिडेंट।
करंट में प्रेसिडेंट जो होता है वही बुला सकता है संसद के दोनों सदनों को, तो उसकी पावर जो दी जाती है वो होती किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है, जो प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का। क्वेश्चन वाला देखते हैं क्या है कि सबसे बड़ा सांप जो स्नेक होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाइथन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये साइंस का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। जियोग्राफी जो आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? फर्स्ट जो मुगल सम्राट था वो था बाबर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन वाला देखते हैं क्या है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? ये खोज और इन्वेंशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्जाम में, तो इसमें भी आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसकी जो खोज किया था वाल्डेयर ने किया था, गुणसूत्र की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, घर घर राशन की योजना भारत सरकार के किस राज्य ने शुरू किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। उनका जो मिशन है वो यही मिशन है कि हम जो राशन है, अगर जो एजेंट यानी कहने का मतलब जो कैंडिडेट है जिसका राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड की स्टोर या दुकान पे ना जाके उसको पैकिंग करके सभी के घर घर पहुंचाया जाएगा, तो इसकी जो पहल की शुरुआत हुई है वो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। फर्स्ट टाइम इन ऑल ओवर इंडिया भारत में पहली बार शुरुआत किया गया है घर घर राशन योजना की शुरुआत। क्वेश्चन मेरा देखते हैं क्या है कि दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ा डाक की सुविधा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, और इसकी से शुरुआत हुई थी बहुत पहले, 1800 में ही हो चुकी थी इसकी शुरुआत, तो तब से अब तक चलता चला आ रहा है। तो ये एक कनेक्शन बहुत ही बड़ा है, चाहे आप कार्गो की सुविधा इसकी ले लीजिए या आप डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी के ले लीजिए, बट चीज़ें ऐसी हैं थोड़ा सा स्लो हैं बट इसकी सर्विस ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? लोगों को जागरूक किया जाता है कि तम्बाकू से कितनी सारी डेंजरस बीमारियां होती हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए कितना खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए, इसलिए एक डे मनाया जाता है 31 मई को, जिसमें तम्बाकू ना खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था कि आप तम्बाकू मत खाइए, तो ये डे सेलिब्रेट किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। क्वेश्चन अगला क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन रेपिटेडली कई बार पूछा गया है और मल्टीपल टाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इजी और जनरल होते हैं, तो आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हीराकुड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, किसने सैयद वंश की स्थापना की थी? खिज्र खान ने किया था सैयद वंश की स्थापना। तो मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा यूपी पेट के लिए, तो आप इस क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी जिसका नाम है सैयद राजवंश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? जो केसरी पत्रिका की शुरुआत की गई थी वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी आपका नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस का वीडियो, और इसमें जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस तरह से क्वेश्चन आने की, क्योंकि जो हमने टारगेट किया है इसमें क्वेश्चन को ऐड करने के लिए वो मेनली अराउंड जो आपके सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए आप और उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में आप पार्ट 2 भी देखिए, और इसके साथ आपको पार्ट 3 दिया जाएगा, कल आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा, तो कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि आप जिस तरीके शेयरिंग और इसको लाइक करते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक दिन अभी आएगा एक वीडियो, फिर अगर आपका इस सपोर्ट मिलता रहा तो आपको दिन में 3-3 4-4 वीडियो जीके के आते रहेंगे यूपी पेट के लिए, जब तक एग्जाम आपका फिनिश नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे स्टडी रैपिड की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।